ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अविशा मिश्रा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार हरकत में आ चुकी है। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने को लेकर कहा है कि अब सरकार दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए 12 और 13 अप्रैल को पर्यावरण विशेषज्ञों और संगठनों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का निर्णय लिया है। साथ ही सरकार सभी विशेषज्ञों और संगठनों से मिले सुझावों को मद्देनजर रखते हुए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएगी। ये जानकारी गुरुवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग और DPCC के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद दी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिल्ली के सभी हॉटस्पॉट की नियमित रूप से निगरानी करने और निर्माण कार्य से संबंधित एजेंसियों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि ग्रीन वॉर रूम में जिस भी विभाग की शिकायत आ रही है उस पर तय समय सीमा पर ही कार्यवाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर